हाल के महीनों में दो मुद्दे बहुत उछले हैं। एक फ्रांस में जो शार्ली हेब्दो मैगजीन है, जो कार्टून प्रकाशित करते हैं, एक मुद्दा उनका है। और उन्होंने सिर्फ हाल में नहीं बल्कि पहले भी वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के से संबंधित कार्टून उन्होंने प्रकाशित किए, पहले भी वो करते रहे हैं। इस पर वहां के जो मुसलमान हैं वो लोग खफा हो गए। अभी बाकी दुनिया के मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, फ्रांस के मुसलमान खफा हुए, नाराज हुए, उनको तकलीफ हुई और उन्होंने उसका विरोध किया। वो विरोध चाहे हिंसक हो या अहिंसक हो, प्रदर्शन हो या जो भी हो। इस पर फ्रांस की सरकार ने, यानी राष्ट्रदर राष्ट्रपति ने ये विषय उठा कि हम तो एक्सप्रेशन के समर्थक हैं, हमारे देश की बुनियाद उसी पे पड़ी है, हमारा संविधान आईन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा इसी पे बेस है और हम रक्षा करेंगे। जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात वो कर रहे थे उससे एतराज किया, इसमें राज उस अल्पसंख्यक वहां पर कम संख्या में है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत या झंडा उठाने वाला कौन था? वो वहां की सत्ता थी, वहां पश्चिमी गोरा समाज था, वो नॉन इस्लाम इस्लामिक या कहें कि क्रिश्चियन बहुल समाज था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सत्ता जिनके पास है वो झंडा पूरी बात। इसके बाद दुनिया में विरोध हुआ और बहुत सारी बातें कही गई, उसको अभी दरकिनार कर देते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब हम हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान में दूसरा मुकदमा जो मामला जो बहुत वो प्रशांत भूषण के बारे में है, जिन्होंने के बारे में टिप्पणी कहा ऊंची अदालत में, सबसे ऊंची अदालत में कई या आधा से ज्यादा जजेज जो हैं न्यायमूर्ति चाहिए। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा किसने लिया? एक एक्टिविस्ट ने, एक लॉयर ने, एक सामान्य सिटीजन ने। उन्होंने ये बात कही अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, और इस पर एतराज किसको हुआ? सत्ता अदालत को, जो कि डेमोक्रेसी के तीन पायों में से एक पाया है, तो वो सत्ता का हिस्सा है। तो एक जगह हम देखते हैं कि सत्ता को, सत्ता उसका फ्रांस में हम हैं कि उसका उसकी बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं, हम उसको आगे दूसरी तो सत्ता है हमारी, हमारा महत्व कम होगा और फिर हमारी हमारे फैसले को कौन सुनेगा। इन दो उदाहरण के बाद मैं इसके तीसरे पक्ष पे आता हूं कि जो लोग, जो फ्रांस की जो सत्ता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रही थी और वहां के जो बहुत ही एनलाइटेंड बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहे थे, उसी उसी शार्ली हेब्दो में उन्हीं दिनों, अभी हाल फिलहाल मतलब कुछ ही दिन हुए, फ्रांस के सदर राष्ट्रपति का झगड़ा
तुर्की के शासन प्रमुख से है। तो शार्ली हेब्दो ने एक कार्टून बनाया जिसमें तुर्की के सदर को, शासन प्रमुख को, दो मुहा अपनी बात पे कहने, कुछ कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं या कमिटेड नहीं है, इस तरह के व्यक्ति के रूप में कार्टून में दिखाने की कोशिश की। और इसके लिए जो कार्टून बनाया गया वो ये था कि तुर्की के जो शासन प्रमुख हैं एर्दोगन, तो उन्होंने एक बुर्का नशीन महिला का स्कर्ट वहां तक उठा रखा है जहां तक नहीं देखा जाना चाहिए था, और वो अपने इस्लामी वेशभूषा में या बड़े ही उसमें है। इस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर किसी को एतराज नहीं हुआ कि किसी मर्द को, किसी पुरुष को की आलोचना करने के लिए आपको औरत के जिस्म की नुमाइश करने की क्या जरूरत है? आप इसी माध्यम से वो कार्टून या उसी माध्यम से वो विचार क्यों व्यक्त करना चाहते हैं? तो इस पर कोई एतराज नहीं हुआ इस एक्सप्रेशन पे, इसलिए क्योंकि औरतें तो दबी रहती हैं और वो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं करती हैं, और उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, उसको फील करने वाला नहीं है। अब मैं एक और मुद्दे पे आता हूं। आप इन बड़े बड़े उदाहरणों को छोड़ दीजिए, ये एग्जाम्पल्स तो बहुत, फ्रांस और हिंदुस्तान और जुडिशियरी और हाई सुप्रीम, एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हमारे घरों में हमारा जवान बेटा बड़े बड़े बड़ी बड़ी बाल रखने लग, जुल्फे रखने लगता है और फैशन अजीब तरह का करता है, तो बाप कहता है कि हाथ से निकल गया, बेहुदा हो गया है, ये लड़कियों जैसे बाल रखे हुए हैं। तो ये लड़कियों जैसे बाल रखे हुए हैं, बेहुदा हो गया है या हाथ से बाहर चला गया है, ये बाप का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कह सकता है। लेकिन अगर उसकी दाढ़ी और बाल बढ़े हुए हों बाप के, तो बेटा पलट कर नहीं कह सकता कि आप ये क्या हाल बना रखा है, बिल्कुल फकीरों की तरह लगते हैं, जाके साफ कराइए इसको। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बेटे के पास नहीं है। ऐसा क्यों है? जो फ्रीडम ऑफ, मैं धार्मिक उदाहरण नहीं देना चाहता, किसी कम्युनिटी के कुछ ट्रेडिशंस की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद ये बताना नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि एक कम्युनिटी में ऐसे रिवाज हैं जिन पर बहुत चर्चा होती रहती है, जिसमें औरत को जो, मर्द को जो एक्सप्रेस करने का, हम साथ रहते हैं, हम शादीशुदा हैं, लेकिन हमको जो एक्सप्रेस करने का अधिकार है मर्द को, वो औरत को नहीं है, वो उस तरह से नहीं कह सकती। ये इस्लाम पे या मुसलमानों पे दोष लगाने के लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक यही चीज हिंदुओं के साथ हो रहा है, जिसमें गोवा में एक महिला कह रही है कि हम मंगलसूत्र क्यों पहने, ये सारे शादी के, वो ऐसा महसूस करती है, ये उसका एक्सप्रेशन है। तो लेकिन इस पर दूसरे लोग अदालत में पहुंच गए, जो हिंदू वाहिनी या क्या किसी एक संगठन है, कि नहीं नहीं ये तो हमारा रिवाज है। इन तमाम उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूं कि असल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये जैसा जफर साहब ने शुरुआत करते हुए कहा कि ये तो कुदरत देती है, एक्सप्रेशन की आजादी तो हमें कुदरत देती है। आप समंदर के किनारे जाकर जोर जोर से बोलेंगे, अपनी कोई भी बात कहेंगे, तो वहां कोई एतराज करने वाला नहीं है। जंगल में जाकर बोलेंगे तो कोई एतराज करने वाला नहीं है। तो असल में फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन जो है, इसकी मनाही ये तो कुदरत की तरफ से मिली हुई चीज है। इसके एक दूसरे एजेंट हैं जो किसी न किसी तरह की सत्ता पर काबिज हैं। ये सत्ता धार्मिक हो सकता है,
ये सत्ता सामाजिक हो सकता है, ये सत्ता सरकार की हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, और वो 999 इश्यूज पे आपके चारों तरफ बाड़ा लगा कर रखते हैं और एक खिड़की खोल कर बताते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये एक्सप्रेशन की आजादी है और इतने दूर तक तुम आजाद हो। तो और इसका इस्तेमाल आप किस तरह से इस आजादी का इस्तेमाल करेंगे, ये भी वो सत्ता ही तय करती है। द पावर, द सीट ऑफ पावर विल डिसाइड हाउ टू यूज दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक एक गरीब मजदूर के साथ एक किसान, एक गरीब किसान का खेत लूट लिया जाता है, फसल लूट ली जाती है, उसके भीतर से जो चीख निकलती है, आवाज निकलती है, जो दर्द निकलता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? जब वो अपनी शिकायत लेकर एक औरत के साथ बलात्कार हो जाता है, उसके भीतर से जो दर्द निकलता है, जो आह निकलती है, जो चीख निकलती है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? है। लेकिन अदालत कहती है कि हम गारंटी करेंगे आपके स्पीच को, हमारे एक्सप्रेशन को हम गारंटी करेंगे, लेकिन तुम जिस तरह से चीख रहे हो उस तरह से नहीं हम गारंटी कर सकते, तुम अपनी चीख हमारी आवाज में सुनाओ। अब हमारी आवाज कैसी होगी वो वकील बताएगा, तो वह वकील के माध्यम से आप उसकी चीख सुनेंगे और तब आप अपनी उसकी उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये कंडीशनल लिबर्टी है, यानी शर्त के साथ आपको स्पीच की आजादी दी जाती है, एक्सप्रेशन की आजादी दी जाती है। ये सारे उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सोसाइटी में सत्ता देती है, वो चाहे किसी तरह की सत्ता हो। जब हम स्वस्थ समाज की बात करते हैं तो स्वस्थ समाज कौन सा है, ये तो रिलेटिव फैक्टर है। आज जिस हालात को, जिन चीजों को आप स्वस्थ मानते हैं वो कल पुरानी हो जाएगी और उनको दकियानुसी माना जाएगा। आज से 200 साल पहले जिन चीजों को ठीक माना जाता था वो चीजें आज की नजर में दकियानुसी हो चुकी हैं। तो स्वस्थ समाज रिलेटिव है और हमेशा चेंज होने का नाम है। असल बात यह है कि सोसाइटी कितना कंफर्टेबल जोन में है। अगर सोसाइटी के लोग एक दूसरे से मजहब, सत्ता, सिटीजन्स, ये सारे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं और अपनी बात, अपनी चीख, अपनी फरियाद, अपनी शिकायतें, अपनी आलोचना कह पाते हैं, उसके लिए मंच है, फोरम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं आप उनके गले में फंदा डालते हैं तो वो गलत है। सवाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं है, सवाल है कि उसके पीछे नीयत क्या है। जैसा कि मैंने शुरुआत की फ्रांस से कि वहां भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है, लेकिन उस नीयत से हमें एतराज है। और यहां भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कई लोगों की भावनाएं आहत होने लगती हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए दूसरा फंदा है। तो सवाल नीयत का है, किस उद्देश्य से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आप इलेक्शन के टाइम में बहुत सारी बातें, बहुत ऑफेंसिव बातें कहते हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो आप क्यों कहते हैं, वो आप दूसरों को आहत करने के लिए कहते हैं। सोशल मीडिया की बात उठी, सोशल मीडिया पे तमाम लिटरेचर पड़ा हुआ है, वो सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो दूसरे को इंस्टिगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही शानदार जुमले हैं, बहुत अच्छे गढ़े गए हैं और ये सुनकर लगता है हम इससे सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत शानदार बातें कही जा रही। सवाल सिर्फ इन शानदार शब्दों का या इस जुमले का या इस फ्रेज का नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा क्या है, सवाल इसका है कि हम किस नीयत से, या सत्ता किस नीयत से और किस हद तक इसका इस्तेमाल करने की इजाजत देती है, और इस पर हमें हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए। शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतने पेशेंस से सुना। मैं चाहता था कि और लोग भी होते, लेकिन अपनी अपनी बात कहने के बाद सब लोग चले गए, तो या शायद सुन रहे भी रहे हों। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बार फिर से बधाई भी देना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा विषय था। थैंक यू, शुक्रिया।